साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लास्ट ट्यूटोरियल में आपने सीखा था वीक डे फॉर्मूला। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे वीक नम का, साथ में दो बोनस फॉर्मूले भी हम आपको बताएंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो आइए सीख लेते हैं। देखिए, वीक नम का जो फॉर्मूला है, इसके नाम से ही आपको शायद पता चल गया होगा, समझ गए होंगे कि वीक नम क्या काम करता है। वीक नम काम करता है, उस वीक का नंबर दिखाएगा जो डेट हम इसको देंगे। हम ये डेट अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले में देंगे तो ये डेट उस साल के कौन से वीक में पड़ती है ये दिखाता है। लेकिन क्या एक्चुअल हमको पता चल जाएगा कि ये कौन से वीक में पड़ती है? क्या ये गलत तो नहीं दिखा देगा, गलत काम तो नहीं करेगा? उसके लिए देखिए, इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं शुरू से आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे वीक नम फॉर्मूला लगा के देखते हैं। इक्वल टू वीक नम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सीरियल नंबर, इसका मतलब हमने यहाँ पे इसको ये डेट देनी है, ठीक है। और हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर यूज करेंगे, तो यहाँ पे दिखा रहा है एक, यानी कि ये पहला वीक है। हमने इसी साल का लिया है 1 जनवरी 2020 का, तो पहला वीक आ गया 2 तारीख को, जाहिर से पहला वीक, तो ये 7 तक पहला वीक होना चाहिए, है ना? एक सप्ते में 7 ही दिन होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 तारीख को इसने वीक नंबर 2 दिखा दिया। और नीचे तक हम जाके देखते हैं, देखिए ये वीक नंबर 3 आ गया, ये वीक नंबर 4, वीक नंबर 5। अब जब हमारा पहला वीक 1 तारीख से 7 तारीख तक होता है, तो यहाँ पे ये 5, 6, 7 को इसने वीक नंबर 2 क्यों दिखाया? देखिए, 1 तारीख यानी कि हमारी कोई भी ईयर का फर्स्ट दिन स्टार्ट हो गया, और एक वीक में 7 होते हैं, तो ये कहाँ से काउंट करना शुरू करता है? इस संडे से काउंट करता है। अब ये बात ज़रूरी नहीं है कि 1 जनवरी को संडे ही हो, है ना? साल के फर्स्ट डे कोई भी वार पड़ सकता है। हम देखे कैलेंडर उठा के, 1 जनवरी 2020 को आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे वेंसडे पड़ रहा है, यानी कि बुधवार, जबकि ये काउंट करता है संडे से, तो पहले 3 दिन इसने खा लिए, इसलिए ये बाकी 4 दिन का ही यहाँ पे एक वीक ले रहा है। लेकिन हमने इसको ये बताना है कि भाई, हम यहाँ से काउंट नहीं कर रहे हैं, आपका संडे नहीं मानेंगे, हमको तो जो 1 तारीख को जो वार पड़ रहा है उसी को पहला दिन मानेंगे। तो हमने क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, हम यहाँ पे इसको इधर आएंगे ब्रैकेट के अंदर और रिटर्न टाइप देना पड़ेगा, कोमा यूज़ करेंगे। हमारा 1 तारीख को क्या वार पड़ रहा है? हमारा बुधवार पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे बुधवार डालेंगे, 13 नंबर, ये हमारा पहला दिन है, इसके हिसाब से हमको वीक नंबर चाहिए, और एंटर यूज़ करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 1 नंबर ही दिखा रहा है। अब इसको हम नीचे तक खींच लेते हैं और छोड़ देंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे 1 से 7 तक पहला वीक है, 7 से 14 तक दूसरा वीक आ गया, 8 से 14, 7 से 7 तक तो पहला वीक है, 8 से 14 दूसरा वीक आ गया, 15 से 17 तीसरा वीक आ गया, तो 17 जनवरी पड़ती है और तीसरे वीक में पड़ती है, 22 जनवरी चौथे वीक में पड़ेगी और 29 जनवरी 5वें वीक में पड़ेगी। अब बात करते हैं बोनस फॉर्मूले की। देखिए, हमने डेट को माइनस करना है, लास्ट डेट में से फर्स्ट डेट घटाते हैं, तो हम क्यों घटाते हैं, माइनस क्यों करते हैं, क्यों करना है हमने? हमने डेज निकालने होते हैं, तो सिंपली हम क्या यूज़ करते हैं डेज निकालने के लिए? इक्वल लास्ट डेट माइनस स्टार्ट डेट और एंटर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ये माइनस कर देगा और 16 दिन हमको यहाँ पे बता देगा। इसकी जगह हम डेज फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। हम करेंगे इक्वल टू डेज, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एंड डेट, ये वाली है एंड डेट, ये देखो कहाँ पे आ गया, गलत आ गया, यहाँ से हटाएंगे, वापस चलेंगे और ये ले लेंगे एंड डेट कोमा स्टार्ट डेट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर यूज़ करेंगे, तो वही 16 डेज, ठीक है। जो अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं आप, डेज यूज़ कर सकते हैं या सिंपली इक्वल के साथ भी माइनस कर सकते हैं। और डेट को हम किस प्रकार माइनस करेंगे, किस प्रकार डेट से हम सारे माइनस प्लस करके हम एक्चुअल डेट निकाल पाएंगे, डेट कैलकुलेशन के ऊपर भी मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है डेट और टाइम का, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक आ जाता है डेट को वैल्यू में चेंज करना।
देखिए कोई भी डेट है, मैं यहाँ पे ये डेट सेम टू सेम कॉपी करके यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट। तो ये डेट को हम वैल्यू में चेंज करेंगे। देखिए ऊपर आपको डेट नज़र आ रही है, इसको हमने वैल्यू में चेंज करना है। तो हम यहाँ पे सीधा क्लिक करेंगे और जर्नल भी ले लेंगे या फिर हम इसको नंबर्स में ले लेंगे। तो अब आप देखोगे यहाँ पे ये नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि ये एक डेट है, इसको हमने वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। अब इस वैल्यू को फिर से हम डेट में चेंज करना चाहते हैं तो सेम डेट हमारे पास आ जाएगी जो हमारे पास यहाँ पहले थी। अब यहाँ पे देखिए ये भी आपको डेट ही नज़र आ रही है, ऊपर यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी डेट लिखा हुआ है, इसको हम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी देखिए ये नंबर्स में कन्वर्ट नहीं हुई, यहाँ पे तो दिखा दिया नंबर लेकिन ये डेट नंबर में कन्वर्ट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, इसको मैं वापस उसी फॉर्मेट में रहने देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये डेट नहीं है, ये एक टेक्स्ट है जो कि डेट की तरह दिख रहा है। हमने यहाँ पे लिखी तो डेट ही थी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं करता हूँ 5/5/2020, ठीक है, ये डेट है। इसको अगर हम वैल्यू में चेंज करेंगे तो हो जाएगी, लेकिन इसको हम टेक्स्ट फॉर्मेट में कर देते हैं। इस डेट के अंदर मैं शुरू पे यहाँ पे लगाऊंगा सिंगल कोट और एंटर यूज करूँगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये डेट तो नज़र आ रही है, लेकिन अब ये डेट नहीं है, ये एक टेक्स्ट बन चुका है। और अब हमने इस टेक्स्ट को वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ से वैल्यू चेंज नहीं कर पाएंगे जैसे हमने डेट की वैल्यू चेंज कर दी थी यहाँ पे। इसकी अगर हम वैल्यू चेंज करेंगे तो हम यहाँ पे इसको नंबर फॉर्मेट में लेके इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट के फॉर्मेट में अगर डेट नज़र आ रही है तो उसको वैल्यू में चेंज किस प्रकार करेंगे। हम यहाँ पर आएंगे और करेंगे इक्वल टू डेट वैल्यू, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, डेट का फॉर्मेट जो दिख रहा है हमको डेट की तरह का वो सेल देंगे और एंटर यूज़ करेंगे। तो अब देखिए ये वैल्यू में चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ की वैल्यू देख रहे हो आप, इसकी और इसकी वैल्यू सेम है ना, यानी कि डेट वैल्यू का फॉर्मूला उस डेट को जो डेट नहीं है लेकिन डेट की तरह दिख रही है उस टेक्स्ट को वैल्यू में कन्वर्ट करने के काम आता है। मैंने यहाँ भी वैल्यू में कन्वर्ट किया है। अगर यहाँ मैनुअल लिख दें 43956 और एंटर, तो ये एक वैल्यू है, ये समझता है इस वैल्यू को अगर हम डेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कौन सी डेट है। इसको हम डेट में कन्वर्ट करके देखते हैं। हम जाएंगे शॉर्ट डेट के अंदर, तो देखिए इसने उस वैल्यू को एग्जैक्ट डेट में ले लिया। हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं, टाइप करते हैं, हमने ये वैल्यू लिखी है, अगर इसको डेट में कन्वर्ट करेंगे तो हमको पता नहीं चल रहा ये क्या डेट है, लेकिन ये एक्चुअल एक्सेल रीड कर लेगा कि ये क्या डेट है और उसको डेट में दिखाएगा, ये 12/6/2024 की डेट लगी हुई है। इनको अगर हम वापस डेट में चेंज करना चाहें किसी को भी, हम वापस डेट में चेंज करेंगे, क्योंकि इसको भी मैंने देखो यहाँ पे मैंने डेट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया, इसमें भी डेट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया। वापस हम इसको डेट वैल्यू का फॉर्मूला रहने देंगे लेकिन डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये वही डेट उठा लेगा। तो इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें लाइक कर दीजिए, हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।